बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको Adobe Photoshop बेसिक पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। तो जिन दोस्तों को लगता है कि Adobe Photoshop बहुत मुश्किल है, तो उन दोस्तों के लिए ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है फोटोशॉप समझने का। तो फोटोशॉप हम शुरू करते हैं। तो फोटोशॉप ओपन करने का तरीका यह है कि आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे जाएं और यहाँ पे टाइप करें फोटो शो। ठीक है जी, आपके सामने Adobe फोटोशॉप प्रोग्राम्स आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है, इसी तरह ही आपका फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, तो जब आपका फोटोशॉप ओपन होगा तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। ठीक है जी, आपसे पूछेगा कि आपने क्या ओपन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम साइज जो है वो डिफाइन करते हैं, क्या फोटोशॉप का जो पेज है उसका साइज क्या होना चाहिए जिसमें हमने काम करना है। अगर हमें प्रिंटिंग के लिए काम करना है तो हम प्रिंटिंग के लिए प्रिंट में जाएंगे। अगर हम आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस के लिए काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस को सिलेक्ट करेंगे। अगर वेब के लिए यूज करना चाह रहे हैं तो वेब पे क्लिक करेंगे। अगर हम मोबाइल के लिए यूज करना चाह रहे हैं मोबाइल पे यूज करेंगे। अगर हम फिल्म एंड वीडियोस के लिए तो यहाँ से हम उसका साइज वगैरह यहाँ से लेंगे। तो फिलहाल मैं प्रिंट में जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो उस देखें यहाँ पे हमें वो पूछ रहा है उसका जो फाइल का नेम क्या रखना है। फाइल का नाम हम यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट 0 1 रखता हूँ। उसकी जो विड्थ है वो इंचीज में आप देना चाह रहे हैं, पिक्सल में, सेंटीमीटर मिलीमीटर में, ये इसकी मेजरमेंट है। ठीक है, जिसमें भी आपको अच्छा लगता है या आप जिसमें भी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं फिर लोग तीन चीज में। ठीक है जी, और इसकी जो विड्थ है वो 1.5 वो हाई। ठीक है जी, ये का जो है वो पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है। ठीक है जी, जो भी आपको पोर्ट्रेट में लेना चाहिए लैंडस्केप में वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आपकी रेजोल्यूशन प्रिंटिंग के लिए आपकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 dpi होनी चाहिए पिक्सल्स। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ से आपने जो है वो CMY के सिलेक्ट करना है। अगर हम वेब के लिए कुछ चीज बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम RGB यूज करेंगे। ठीक है जी, मैं फिर प्रिंटिंग के लिए काम करना चाह रहा हूँ, CMY के सिलेक्ट करूंगा। बैकग्राउंड आप व्हाइट रखना चाह रहे हैं, ब्लैक रखना चाह रहे हैं, ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, मैं फिर वक्त व्हाइट बैकग्राउंड यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना। जब आप क्रिएट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक व्हाइट पेज ओपन हो जाएगा। तो आप इस पेज में आपने काम करना है। तो काम करने से पहले हमें इसके इंटरफेस को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम इंटरफेस को समझेंगे नहीं उसमें काम करने के काबिल नहीं हो सकते। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले इंटरफेस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपको टॉप पे लेफ्ट टॉप पे PS Adobe Photoshop का आइकन नजर आ रहा है, तो इस पे इसके साथ ही जो फाइल एडिट इमेजेस ये चीजें जो आपको सारे जो नजर आ रहे हैं तो इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। उसके नीचे जो आपको ऑप्शंस मिल रही हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ऑप्शंस बार। उससे नीचे जो आपको टैब्स नजर आ रही हैं, ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे ये हमारी जो फाइल्स हैं वो ओपन है। ठीक, उसके साथ लेफ्ट साइड पे ये हमें एक टूल बार नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो समटाइम ये कभी इस तरह भी हो सकता है आपके सामने आपके इंटरफेस में। तो अगर आप इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आप वो इस तरह जो है वो लेगा। तो इसमें बेतहाशा टूल बार हैं जिनकी मदद से हम अपना डिजाइन बना सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी वगैरह जो है जो क्रिएटिव रख सकते हैं। तो इसके लिए तो अब हम किसी भी अगर टूल पे क्लिक करते हैं तो देखें आपके जो ऑप्शन बार है उसमें जो ऑप्शन है वो चेंज होते हुए नजर आएंगे। ठीक है जी, जो भी आप टूल बार लेंगे उसकी डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो आपको शो आया होगी। हर टूल बार की डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑप्शंस, ठीक है जी, वो यहाँ से आपको नजर आएंगे। उसके बाद आप राइट साइड पे आए तो आपको
राइट टॉप पे आपको एक क्लोज बटन है जी, मैक रिस्टोर का बटन है और मिनिमाइज का बटन है, ठीक ठीक है है जी। जी, उसके उसके साथ साथ ही ही आपको आपको राइट राइट साइड साइड पे पे यहाँ यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस ऑप्शंस हैं, हैं, कलर्स, कलर्स, यहाँ यहाँ सब सब कलर्स, कलर्स, स्वैचेस, स्वैचेस, ग्रेडियंट ग्रेडियंट और और पैटर्न्स, पैटर्न्स। ये ये कलर कलर के के रिलेटेड रिलेटेड चीजें चीजें हैं। हैं। आप आप में में इसमें इसमें कलर कलर वगैरह वगैरह कुछ कुछ सिलेक्ट सिलेक्ट कर कर सकते सकते हैं, हैं, स्वैचेस स्वैचेस हैं, हैं, ग्रेडियंट ग्रेडियंट कलर्स कलर्स हैं, हैं, बेशुमार बेशुमार पैटर्न्स पैटर्न्स बने बने हुए हुए जो जो है है वो वो आपको आपको यहाँ यहाँ से से वो वो मिलेंगे। मिलेंगे। उससे उससे नीचे नीचे वो वो है है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक ठीक है है जी। जी। जिसका जिसका आपको आपको यहाँ यहाँ पे पे प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज नजर नजर आती आती हैं, हैं, वो वो मतलब मतलब किसी किसी भी भी टूल टूल बार बार की की तो तो प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज आप आप यहाँ यहाँ पे पे भी भी देख देख सकते सकते हैं, हैं, ठीक ठीक है। है। और और इसको इसको थोड़ा थोड़ा सा सा अगर अगर हम हम स्क्रोल स्क्रोल डाउन डाउन करेंगे करेंगे तो तो आपको आपको बेशुमार बेशुमार प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज जो जो है है वो वो यहाँ यहाँ पे पे नजर नजर आती आती हैं, हैं, और और ये ये हमारी हमारी आसानी आसानी के के लिए लिए हैं। हैं। आप आप यहाँ यहाँ से से भी भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज को को यूज यूज कर कर सकते सकते हैं। हैं। उसके उसके साथ साथ एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट लेयर्स लेयर्स हैं, हैं, ठीक ठीक है है जी। जी। यह यह हम हम मास्किंग मास्किंग में में यूज यूज करते करते हैं। हैं। अगर अगर हम हम मास्किंग मास्किंग में में ये ये चीजें चीजें यूज यूज करना करना चाह चाह रहे रहे हैं, हैं, वहाँ वहाँ मास्किंग मास्किंग आगे आगे चल चल के के पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन लेकिन फिलहाल फिलहाल तक तक आपके आपके नॉलेज नॉलेज के के लिए लिए इतना इतना ही। ही। ये ये जो जो एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट लेयर्स लेयर्स हैं हैं ये ये विद विद मास्क मास्क होती होती हैं। हैं। लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज हैं, हैं, इसमें इसमें बेशुमार बेशुमार मतलब मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन जो जो है है वो वो हमारी हमारी लाइब्रेरी लाइब्रेरी है, है, इसमें इसमें चीजें चीजें होती होती हैं हैं वो वो जो जो आप आप ऑनलाइन ऑनलाइन जो जो है है अपने अपने कैनवस कैनवस में में अपनी अपनी इमेज इमेज में में ला ला सकते सकते हैं। हैं। तो तो उसके उसके बाद बाद मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज चीज जो जो है है वो वो हम हम है है लेयर्स, लेयर्स, जो जो हम हम देखते देखते हैं हैं वो वो है है लेयर्स, लेयर्स, ठीक ठीक है है जी। जी। लेयर्स लेयर्स को को समझना समझना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है, है, ठीक ठीक है, है, क्योंकि क्योंकि सारी सारी गेम, गेम, सारा सारा चक्कर, चक्कर, सारा सारा जो जो भी भी है है एडोब एडोब फोटोशॉप फोटोशॉप में में जो जो है है लेयर लेयर मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, है, लेयर लेयर को को समझना समझना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है, है, क्योंकि क्योंकि सारा सारा काम काम लेयर्स लेयर्स के के ऊपर ऊपर ही ही होता होता है। है। लेयर लेयर मास्किंग, मास्किंग, मास्किंग मास्किंग वगैरह वगैरह और और भी भी बहुत बहुत सारे सारे जितने जितने भी भी इफेक्ट्स इफेक्ट्स वगैरह वगैरह वो वो यहाँ यहाँ से से ठीक ठीक हो हो गए। गए। तो तो लेयर्स लेयर्स यहाँ यहाँ पे पे आप आप कुछ कुछ होती होती हैं, हैं, उसके उसके बाद बाद चैनल्स चैनल्स हैं, हैं, देखा देखा हम हम आगे आगे चल चल के के बात बात करेंगे करेंगे कि कि चैनल्स चैनल्स क्या क्या होते होते हैं, हैं, पाथ पाथ क्या क्या होता होता है, है, ठीक ठीक है। है। क्योंकि क्योंकि तक तक हम हम इस इस इंटरफेस इंटरफेस को को समझते समझते हैं हैं पूरे पूरे को। को। जब जब तक तक हम हम इस इस पूरे पूरे इंटरफेस इंटरफेस को को अच्छी अच्छी तरह तरह नहीं नहीं समझ समझ सकते, सकते, इसके इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस नहीं नहीं होते, होते, तब तब तक तक हम हम एडोब एडोब फोटोशॉप फोटोशॉप को को जो जो है है वो वो अच्छी अच्छी तरह तरह जो जो है है ना ना वो वो समझ समझ नहीं नहीं सकते, सकते, क्योंकि क्योंकि इसमें इसमें बेशुमार बेशुमार ऑप्शंस ऑप्शंस हैं, हैं, छोटी 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 ऑप्शंस ऑप्शंस हैं हैं, जिसको जिसको समझना समझना ठीक ठीक है है बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। है। तो तो अगर अगर फॉर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपको आपको कोई कोई टूल टूल बार बार यहाँ यहाँ पे पे शो शो नहीं नहीं हो हो रहा, रहा, फॉर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेयर लेयर ही ही शो शो नहीं नहीं हो हो रही, रही, ठीक ठीक है, है, तो तो आपने आपने क्या क्या करना करना है, है, विंडोज विंडोज में में जाना जाना है, है, ठीक ठीक है है जी, जी, विंडोज विंडोज में में जाना जाना है है, और और यहाँ यहाँ पे पे देखें देखें लेयर्स लेयर्स में, में, लेयर लेयर पे पे क्लिक क्लिक करेंगे करेंगे आपको आपको यहाँ यहाँ पे पे लेयर लेयर जो जो है है वो वो शो शो हो हो जाएगा, जाएगा, ठीक ठीक है। है। इसी इसी तरह तरह ही ही अगर अगर आपके आपके जो जो टूल्स टूल्स हैं हैं टूल टूल बार बार वो वो अगर अगर जो जो नहीं नहीं मिल मिल रहे, रहे, फॉर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये ये मैंने मैंने हाइड हाइड कर कर दिए दिए हैं, हैं, सम सम टाइम टाइम आपको आपको इस इस तरह तरह के के इंटरफेस इंटरफेस मिलता मिलता है है तो तो आपको आपको परेशान परेशान होने होने की की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है है कि कि क्या क्या हो हो गया गया कि कि मेरा मेरा फोटोशॉप फोटोशॉप में में कोई कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो हो गई गई है है या या कोई कोई मतलब मतलब समटाइम समटाइम मतलब मतलब घबराने घबराने की की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है, है, वो वो चीजें चीजें जो जो है है वो वो हाइड हाइड हो हो जाती जाती हैं। हैं। तो तो आपने आपने विंडोज विंडोज में में आना आना है है और और टूल्स टूल्स में में क्लिक क्लिक करने करने हैं, हैं, ठीक ठीक है है जी। जी। आपका आपका टूल टूल बार बार वापस वापस आ आ जाएगा, जाएगा, ठीक ठीक है है जी। जी। इसी इसी तरह तरह ही ही जो जो है है कोई कोई भी भी चीज चीज आपके आपके कैनवस कैनवस में में या या आपके आपके मतलब मतलब प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स में में फोटोशॉप फोटोशॉप में में चीज चीज जो जो है है वो वो टूल टूल बार बार गायब गायब है है तो तो आपने आपने विंडोज विंडोज में में चले चले जाना जाना है, है, देख देख लेना लेना है है यहाँ यहाँ से से तो तो जो जो भी भी चीज चीज अनचेक अनचेक हो हो उसको उसको आपने आपने चेक चेक करना करना है, है, ठीक ठीक हो हो गया। गया। वो वो चीज चीज आपको आपको वापस वापस जो जो है है टूल टूल बार बार आपको आपको शो शो हो हो जाएगा, जाएगा, ठीक ठीक है है जी। जी। अब अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम हम ये ये चीज चीज समझते समझते हैं हैं कि कि अपने 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 कैनवस कैनवस में में अपने अपने इमेज इमेज में में मतलब मतलब अपने अपने प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स में में जो जो है है वो वो अगर अगर कोई कोई इमेज इमेज लेके लेके आना आना है है तो तो उसको उसको हम हम कैसे कैसे लेके लेके आएंगे, आएंगे, तो तो उसके उसके लिए लिए हम हम एक एक तो तो कंट्रोल कंट्रोल ओ ओ है है इसकी इसकी शॉर्टकट शॉर्टकट कीज, कीज, ठीक ठीक है। है। मैं मैं आपको आपको जो जो है है वो वो मैन्यू मैन्यू से से
9 बाई 6 इंचज है, अगर हम इसको पिक्सल में देखें तो ये 1118 पिक्सल और हाइट जो इसकी ये ठीक हो गया दोस्तों। तो ये था इसका बेसिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसका जो है वो एडवांस जो है मतलब नेक्स्ट जो है वो मतलब हम बेसिक भी बेसिक के साथ साथ जो है एडवांस चीजें जो है वो देखेंगे जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह टूल को स्टडी करेंगे, टूल बॉक्स को। आज के लिए इतना ही काफी है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मजीद पढ़ेंगे, और उसके लिए जो है वो तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। और एक चीज जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और लाइक्स जो है वो जरूर देनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट एक अच्छे विजन के साथ।